भाई लोग भी आ गए। M3 का एग्जाम है गाइस आज, और देख सकते हैं आज हमारे बैचमेट्स आए हुए हैं M3 का एग्जाम दिलाने के लिए। ये हमारा सेंटर है, हमारे योगेश भाई लैपलास का फॉर्मूला समझाते हुए जो रात के 2 बजे पढ़ के आए गाइस। मैं तो 8:30 बजे स्टार्ट किया था पढ़ना, लेकिन कुछ तो मिलेंगे एग्जाम के बाद 3 घंटे बाद, क्या रिएक्शन रहेगा पूरा देखेंगे, देखते रहिए मूवी सब। A few moments later. All right guys, तो हम लोग एग्जाम दिला के आ चुके हैं वापस से अपने ड्रेसिंग रूम में, और देख सकते हैं हमारे भाई साहब यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर के लिए, और काफी उत्सुक लग रहे हैं। भाई कैसा बना भाई साकिब, आपका एग्जाम कैसा गया? तगड़ा बना भाई, तगड़ा बना। आप लोग पास तो हो ही गए, मेरा छूट गया भाई। आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई? रस्सी लेने आ रहे हैं, रस्सी लेने आ रहे हैं, रस्सी लेना, क्या रस्सी ले रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ। क्या आप ये चादर यूज कर बचाएंगे? और देख सकते हैं आप M3 का एग्जाम था, और पुनीत भाई तो लुट पुट गया वाला गाना गा के निकल रहे थे, और जैसा कि ये विद्या भी है, विद्या आप कैसा बना विद्या? अच्छा रिजल्ट मतलब बाद में 2-3 साल बाद पता चलेगा कि रिजल्ट, क्योंकि ना बहुत दिन बाद आता है, ऐसा तुरंत आने वाला सिस्टम नहीं यहाँ पे ऐसा। चार तो चलते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं आज यार थोड़ा सा सेंटर को, एग्जाम सेंटर। वैसे भी ये जो कचड़ा है ना, ये अपने कॉलेज का नहीं है, ये जो दिख रहा है आपको स्टूडेंट इतना सारा मशीन ही, अपना कॉलेज नहीं है, एग्जाम सेंटर है, तो यहाँ आए हुए हैं। चलिए थोड़ा सा चलते हैं, बैक पैक यहाँ पे है, और बाकी लोग हमारे जो बैचमेट्स लोग हैं वो चले गए हैं, बस हम लोग बच गए हैं हमारा ग्रुप। तो गाइस यहाँ पे आप बॉयज वॉशरूम जा रहे हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। भाई आप लोग का एग्जाम कैसे गया यार? M3 वाले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही जोश में भाई ये लोग भी, और काफी बेहतरीन बना इनका भी लग रहा है, और अपना तो अच्छा ही बना है अपन तो कभी लगता है पुनीत भगवान है। और ये अपना जो है एग्जाम सेंटर है गाइस, और इधर देख सकते हैं ट्रैक्टर, और भाई साहब आपको मिलाते हैं हमारे भाई पुनीत से, जो M2 में ना भाई बहुत अच्छा मार्क्स गेन किए हैं, M2 फोड़ दिए थे M2 में, लेकिन इस बार M3 में इनके माथे में थोड़ा सिकन नजर आ रहा है टेंशन का, तो क्या हाल है भाई बताओ? अरे काला बता एकदम भाई, भगवान भरोसे छोड़ के आ गए हूं भगवान। गाइस ये हमारा गाड़ी खड़ा है यहाँ पे, भाई हॉस्टल वाले भाई लोग से बात कर लेते हैं। भाई आपका एग्जाम कैसे गया? बनाया है 5 मिनट बराबर, ठीक है। फुल पढ़ के आए थे, पता नहीं पास होंगे नहीं होंगे। अच्छा उसका गारंटी नहीं हो तो किस्मत भरोसे रहता है, CSVT का खेल। जय श्री राम बोलो। तो चलिए गाइस हम लोग भी लंच कर लेते हैं, भाई लंच कर रहे हैं यार अभी हम लोग, पेपर पर ठीक है, खाना बहुत जरूरी है, अपन टिफिन लेके आते हैं एग्जाम सेंटर में। अभी रोटी और आलू की सब्जी लाया है, बढ़िया खा रहे भाई, और अंश भाई तू नहीं खा रहे इसलिए वो वीडियो बना रहे हैं, हम लोग भाई खा रहे हैं। अरे पुनीत भाई घर जा रहा है, दिखते हैं ना 17, 20, 22, 24। फिर लाइक करो शेयर करो, और ना एक्चुअल में अपन ना इसमें एम करेंगे, तो एम ये रहेगा अपन इसमें ना 35 लाइक का एम करेंगे, क्योंकि ना जो है ना हमारा पासिंग मार्क्स 35 है, थोड़ा 35 लाइक कर दो यार इसमें, और ना बढ़िया से कमेंट करना कि आपको क्या लगता है, क्या मुकेश पास हो पाएगा कमेंट में बताओ, मेरा तो एक पता है मैं पूछ जाऊँगा। तो ना सब्सक्राइब करो चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर और नेक्स्ट ब्लॉग में। अब रिजल्ट जय श्री महाकाल।